खुदा में मुकद्दस को अपनी रहनुमाई के लिए खोलने के मेरे साथ खुदा में मुकद्दस को खोले के लूका रसूल की लिखी हुई और उसका दूसरा बाब लूका रसूल की लिखी हुई और उसका दूसरा बाब खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से लूका रसूल की लिखी हुई और उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से तलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए, पास यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दौद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दौद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मुगेतर मरियम के साथ जो मामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वजू हमल का वक्त आ पहुँचा, उसका पलौटा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चलनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते इसराइल में जगह ना थी। खुदा उनके पास नाम को पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आप सब तशरीफ करके आज की सुबह आप सबको इस चर्च में हम वेलकम कहते हैं। और उसकी इंतजामिया की जानिब से आप सबको मेरी क्रिसमस। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से हमने हवाला तलावत किया लूका रसूल का अंजीली बयान, लूका रसूल के मार्फत लिखी गई ये मुकद्दस पाक कलाम। हमें कलाम खुदावंद सिखाता है कि मसीह खुदावंद के बारे में बहुत सारे नबियों ने खुदावंद के पाक कलाम में नबूवत की है, और मसीह के आने का वादा खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में किया गया था, और बनी इसराइल के लोग और खास तौर पर बनी इसराइल के सब कबीले जो थे वो मसीह खुदावंद के मुंतजर थे। हालातों वाकयात उस वक्त जब मसीह खुदावंद की पैदाइश हुई तो कुछ अच्छे नहीं थे, सियासी तौर पर जो था वो बनी इसराइल पर रोम जो था वो काफिर था, और रोमी गवर्नर जो थे उन्होंने हाकम मुकर्रर किए हुए थे बनी इसराइल पर। तो उस दौरान क्या हुआ कि रोम की हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया, मतलब शुमारी की गई इसमें नवीसी अयाम में ये ऐलान किया गया कि सारी शहरों में से गांव में से लोग क्या करें, वो सब अपने अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहरों को चले जाए। तो यूसुफ भी गलील के शहर नासरत में रहता था, उसने मरियम को लिया जो हामला थी वो अपने शहर बैतलहम को नाम लिखवाने के लिए गया, क्योंकि बैतलहम शहर जो है ये दाऊद का शहर है, और बैतलहम शहर जो है इसका नाम का मतलब है रोटी का शहर। कलाम मुकद्दस में से फराता इलाका कहा गया, और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त आ गया,
और यूसुफ और मरियम अपने शहर को गए और अपना नाम लुटवाने के लिए गए, तो वहां पर मसीह की पैदाइश का वक्त आ गया और वहां पर वो चलने में खुदा का कलाम कहता है कि उसने उसको कपड़े में लपेट कर चलती में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। और यही पैगाम खुदा ने फरिश्तों को दिया और फरिश्तों ने चरवाहों को ये पैगाम दिया, और चरवाहे वो थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। और चरवाहों को लोग अच्छा नहीं समझते, गरीब लोग समझते हैं, क्योंकि चरवाहे गडरिए जो थे वो माल मवेशी भेड़ बकरियां पालते थे, चराते थे। और खुदावंद का ये पैगाम खुदा के फरिश्तों ने आकर गडरियों को दिया, और गडरिए जो थे वो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके शरीर पर चमका, वो नहायत डर गया। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनंजी पैदा हुआ है, यदि मसीह खुदावंद उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लपेटा और चर्ची में पड़ा हुआ पाओगे। और उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर के गलों खुदाम की हमद करती और ये कहती हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे बुराजी है सुना। तो इस तरह खुदावंद के फरिश्तों ने गडरियों को चरवाहों को पैगाम दिया, एक बड़ी बशारत, एक बड़ी खुशखबरी का पैगाम दिया। और गडरिये जो थे, चरवाहे जो थे, उन्होंने कहा कि आओ हम बेहतर हम को चले, आओ हम अपने खुदावंद को देखने के लिए चले, और उन्होंने बेहतर हम को जाने की तैयारी की। कलामी खुदावंद हमें ये बात सिखाता है कि मजूसी जो थे वो भी मसीह खुदावंद को देखने के लिए बेहतर हम को आए। तो मेरी बहनों और भाइयों, मुकद्दस पाक कलाम हमें ये बात सिखाता है कि उन्होंने मसीह खुदावंद जब पैदा हुआ तो मरियम ने कपड़े में लपेट कर चलती को उसे रखा, क्योंकि उनके सराय में उनको जगह नहीं मिली थी। तो चलती जो है, चलती के बारे में खुदावंद का पाक कलाम हमें ये बात सिखाता है कि मसीह खुदावंद को कपड़े में लपेट कर उस चलती में रखा। वो मसीह खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, और वो खालिक है, वो मालिक है, वो खुदा है, और मजस्सम होकर वो इस दुनिया में आया। क्योंकि मुकद्दस पाक कलाम हमें ये बात सिखाता है कि खुदा को कभी किसी ने कभी नहीं देखा। खुदा का बंदा यूहन्ना नबी हमें ये बात सिखाता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मकबूल होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते। और उसी खुदावंद के बारे में बहुत सारी पेशनगोईयां हैं, और खुदा के कलाम हमें ये बात सिखाता है हमारा खुदावंद जो है वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है। अब जिसकी प्रशंसा करते हैं, अब जिसकी इबादत करते हैं, अब जिसके सामने झुकते हैं, दुआएं करते हैं, इल्तजा करते हैं, वो जिंदा खुदावंद है, वो जिंदा खुदा है, वो हमारा खुदा है,
वो बादशाहों का बादशाह है, लेकर एक चरती में उसने जन्म लिया। खुदा का पाक कलाम हमें ये बात सिखाता है, उसने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को उसने पुष्ट कर दिया। आसमानों को बनाने वाला दुनिया को बनाने वाला है, और दुनिया की सारी मंगोरी उसी की है। वो किसी बड़े बैल में किसी बंगले में भी धर्म ले सकता था, लेकिन उसने अपने आप को हरी, अपने आप को फरोख्त और अपने आप को उसने खाली कर दिया। तो मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है लूका की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 32 और 33 आयत पर लिखा है, जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम। फरिश्ते ने उसे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, खुदा की खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अपन तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना हो। वो जिसके बारे में खुदा के फरिश्ते ने कहा कि वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा की खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अपन तक बादशाही करेगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। यहाँ पर दाऊद का तख्त जो है उसे देने का वादा किया गया है। ये बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। ये कलाम खुदावंद में उसके बारे में पेशन दुनिया है पहले ही कलाम किया हुआ है, क्योंकि मुकद्दस पाक कलाम हमें ये बात सिखाता है कि हमारा खुदावंद यीशु जो है वो इब्ने दाऊद, इब्ने इब्राहिम, वो इब्राहिम की नस्ल में से होगा, वो दाऊद की नस्ल में से होगा, क्योंकि वो बादशाह है। इसलिए क्योंकि दाऊद के बाद सुबह दाऊद बादशाह का तख्त जो है उसमें लिए हमारा खुदावंद जो है उसके तख्त पर बैठेगा, और यकूब के घराने पर अपन तख्त बादशाही करेगा, उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। दुनिया की अमूमतें बदलती रहती है, खत्म होती रहती है, लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह की हुकूमत जो है वो हमेशा कायम रहेगी, क्योंकि कलाम खुदा हमें ये बात सिखाता है कि वो यकूब के घराने पर बनी इसराइल पर अब तक हुकूमत करेगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मुकद्दस पाक कलाम अब बयान करते हैं कि मसीह के बारे में लिखा है कि वो इब्राहिम की नस्ल में से होगा, वो दाऊद की नस्ल में से होगा, ये हमारा बादशाह है, हमारा बादशाह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह मसीह खुदावंद। चलती में उसने जन्म लिया, और चलती जो है यहाँ पर जब हम चलती के बारे में जानते हैं तो चलती जो है ये बैतलहम में है, ये वो जगह है जहाँ पर दाऊद बादशाह जो था वो क्या करता था, जब मौसम खराब होता था, हालात खराब होते थे, वो भेड़ बकरियां चराने वाला है, और इसलिए वो जब ऐसे हालात होते थे तो वो यहाँ पर बैतलहम में आकर, एक घर का नाम है, और यहाँ पर आकर वो बैठ अपनी भेड़ बकरियों को बिठाता है, और दाऊद बादशाह इसी जगह पर बैठ कर खुदा की प्रस्तुति करता है, खुदा की हम्दो सना करता है, खुदा की तारीफ करता है, खुदा की तमजीद करता है, और दाऊद यहाँ पर बैठ कर खुदावंद के
नाम को जलाल देता है और इसलिए मसीह खुदावंद जल्दी में पैदा हुआ। मेरी बहनों और भाइयों, हम सब खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए आया, वो हमारा निजात दहिंदा है, हमें रिहाई देने के लिए, हमें मुखलसी देने के लिए, हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए मसीह खुदावंद आया। हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। वो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदावंद है, जिसके हम बेटे और बेटियां हैं। तो ये कभी न समझे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में एक हम हवाला देखेंगे। मेरे साथ खुदावंद के कलाम